एक दिन एक गधा घास खाकर लौट रहा था और गधे को बहुत ताजी हरी हरी घास खाने को मिली थी। गधा बहुत खुश था, वो मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था। अचानक से उसे सामने चीता दिखाई दिया। चीते ने जब गधे को इतना खुश देखा तो उसने गधे से पूछा, और गधे भाई कैसे हो, हरी हरी घास कैसी लगी? चीते की बात सुनकर गधा तुनक के बोला, अरे चीते भाई कैसी बात करती हो, घास में कभी हरी होती है, घास तो नीली होती है, आज मैंने बहुत अच्छी नीली नीली घास खाई इसलिए तो इतना खुश हूँ। गधे की बात सुनकर चीता चौंक गया, अरे गधे भाई आप भी कैसी बात करते हो, घास नीली नहीं हरी होती है, क्या तुम्हें ये बात सच में नहीं पता? अब दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस हो गई। चीता कह रहा था कि घास हरी होती है और गधा अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि घास नीली होती है। चीता गधे से बोला, चलो गधे भाई अब महाराज शेर के पास ही चलते हैं, वो ही तुम्हें बताएंगे कि घास नीली नहीं हरी होती है। गधे ने कहा, हाँ ये ठीक कह रहे हो, चलो अभी हम शेर महाराज के पास चलते हैं। दोनों शेर के पास पहुँचे। उस समय शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। जब शेर ने चीते और गधे को एक साथ आते देखा तो उसने उन दोनों से पूछा, क्या हुआ आज तुम दोनों एक साथ कैसे, क्या कोई समस्या है? चीता कुछ कहता उससे पहले ही गधा बोल गया, अरे महाराज ये चीता बहुत बेवकूफ है, आप इसे समझाओ कि घास नीली होती है हरी नहीं, ये मुझसे बिना बात इस बात पर लड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है, बहस कर रहा है। तभी चीता भी कहने लगा, हाँ महाराज आप ही इस गधे को समझाओ कि घास तो हरे रंग की होती है, लेकिन ये बात इसकी समझ में आ ही नहीं रही। बीच में चीते को रोकते हुए शेर बोला, चुप हो जा चीता, तू क्यों बहस करता है, गधा बिल्कुल ठीक तो कह रहा है कि घास नीली होती है, और गधे अब तू यहाँ से जा, इस चीते को तो मैं ठीक करता हूँ। शेर महाराज की बात सुनकर गधा बहुत खुश हुआ, उसने शेर को बहुत सारा धन्यवाद बोला और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। गधे के जाने के बाद चीता शेर महाराज से बोला कि महाराज आज आपने ऐसा क्यों किया, आपको तो पता है ना कि घास हरे रंग की होती है, लेकिन आपने गधे को सजा देने की बजाय मुझे सजा दी, ऐसा क्यों? शेर मुस्कुराया और चीते से बोला, देख चीते तुझे पता है ना कि घास हरी होती है, और तुझे ये भी पता है कि ये गधा कितना बड़ा बेवकूफ है, और जो बेवकूफ से बहस करता है उसे कुछ समझाने की कोशिश करता उससे बड़ा बेवकूफ कौन है? तुझे पता है कि मैं आराम कर रहा था और तू बिना वजह एक बात के लिए मेरे पास आया, इसलिए सजा तो तुझे ही मिलेगी। आसपास खड़े सारे जानवर हंसने लगे और चीते को भी अपनी गलती समझ आ गई थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बेवकूफों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए।